नमस्कार, स्वागत है आपका अलाइव 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। अक्सर हमें जो मूवी और जो वेब सीरीज देखने को मिलती हैं वो रियल इंसिडेंट बेस्ड होती है, पर वो जो इंसिडेंट है वो वेब सीरीज लॉन्च होने से पहले होते हैं, उनसे इंस्पायर होकर डायरेक्टर्स और राइटर्स उन्हें बनाते हैं। पर कभी कभी ये इंसिडेंट हमें वेब सीरीज या फिर मूवीज देखने के बाद भी दिख जाते हैं, क्योंकि लोग उनसे इंस्पायर होकर वो हरकतें करने लगते हैं। हाल ही में आने वाली वेब सीरीज 1975 के हालात पर निर्भर करती है, और वो वेब सीरीज है शुक्राणु, जिसमें इमरजेंसी के दौरान नसबंदी की कार्रवाई को दिखाया गया है। ये नसबंदी की कार्रवाई हमें आज लखनऊ में देखने को मिली, जहां पर नसबंदी के दौरान एक महिला ऑटो में बैठकर भाग गई। क्या है ये पूरा मामला और क्या हुआ था वहां, क्यों वो भागी है, आइए जानते हैं। मोहनलालगंज के CSC में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ऑटो से भाग गई। वह महिला नसबंदी के दौरान ऑटो में बैठकर भाग गई। भागती महिला को देख CSC अधीक्षक ने उसके पीछे डॉक्टरों की फौज दौड़ा दी। यह महिला आशा बहू के साथ नसबंदी करवाने आई थी। नसबंदी के दौरान वह अचानक बेड से उठकर भाग गई। मामले की गंभीरता बढ़ते हुए देख पुलिस को वहां पर बुलाना पड़ा। क्या है, मैं मोहनलालगंज CSC पे हूँ और यहाँ नसबंदी कैंप लगा हुआ है। हर मतलब महीने के दूसरे बृहस्पतिवार और चौथे बृहस्पतिवार को होता है, और यहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं। डॉक्टर 2 बजे आती है, मरीज 10 बजे आ जाता है, और 2-2.5 बजे के बाद नसबंदी कैंप चालू होता है सर। और मरीज को कोई ना कोई दिक्कत के कारण मरीज का नसबंदी हो चुका है, छल्ले पड़ चुके हैं, लेकिन टाँका नहीं लग पाए, मरीज यहाँ से फरार हो गया है। उसको अभी तक पता नहीं लगा कि मरीज कहाँ तक पहुँचा है, किस पोजीशन में है मरीज। हाँ, वो हमने भी मतलब कि पता चला बिल्कुल नहीं, नहीं स्टिचेस नहीं लगे, जैसे भी उसको तुरंत लाइगेशन कर दिया गया और दूसरा वाला किया गया, तो तुरंत ही निकल के कूद के भाग गई। क्या तो अब ये लग रहा है कि शायद पेशेंट थोड़ी सी कहीं ना कहीं उसको डिमोटिवेट हुआ होगा, या माइंड उसका कुछ ऐसे बताया जा रहा है, इस वजह से वो भाग गई। वरना अभी इसको बुला लिया गया है, रास्ते में आ गई है, गाड़ी भेज दी गई है, उसे बुला करके स्टिच करके उसे पूरी मेडिसिन हम लोग दे के तब भेजेंगे। नसबंदी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से हमारे देश की जनसंख्या काफी संतुलित हो सकती है, पर ये महिला इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती। फिलहाल ये थी हमारी संवाददाता अश्विनी त्रिवेदी की रिपोर्ट। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहें अलाइव 24 न्यूज। धन्यवाद। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।